अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का लेक्चर जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ वो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में मैं दो लेक्चर्स पहले मैं आपको डिटेल्स में इंट्रोडक्शन के दे चुका हूँ। क्लैरेट्स आज का जो आपका लेक्चर है वो क्लैरेट्स इक्वेशन के बारे में है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्लैरेट्स इक्वेशन जो है उसकी शेप क्या होती है, फिर उसके दो बड़े फेमस किस्म के जो सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ आते हैं। क्लैरेट्स इक्वेशन बेसिकली जनरल फॉर्म में y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p की शक्ल में होती है। अगर ये p एक्चुअल में है क्या चीज़, p आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पी एक्चुअल में डेरिवेटिव ऑफ वाई को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ आपके पास फंक्शन ऑफ पी कुछ भी आ सकता है, विच मे बी पी स्क्वायर, विच मे बी पी और एनी फंक्शन टाइप ऑफ पी, पी ओवर वन प्लस पी एट्सेट्रा। इसका मतलब एक्चुअल में क्लैरेट्स इक्वेशन जो सी है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शेप में भी बन सकती है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल में भी उसकी एक पार्टिकुलर शेप आ सकती है। मसलन अगर मेरे पास जो फंक्शन ऑफ पी है वो जस्ट पी की शक्ल में ही कोई फंक्शन होता, मींस वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस वन प्लस पी, तो देन इफ़ वी राइट पी डी वाई बाई डी एक्स वी गेट द फॉर्म लाइक दिस डी, और यहाँ से पी कॉमन नज़र आ रहा है तो पी इज़ डी वाई बाई डी एक्स and the coefficient of p is x plus 1 and the remaining terms are plus 1 is equal to y, so it is a linear differential equation. So Clairaut's equation jo si hai basically wo linear differential equation ki form mein bhi aa sakti hai aur non linear differential equation ki shakal mein bhi ho sakti hai. To Clairaut's equation jo hai uski taraf wapas aate hain. Clairaut's equation के सोल्यूशन को कैसे फाइंड किया जाता है, ओके जी, क्लैरेट्स इक्वेशन जिसकी शक्ल मैंने आपको बताई कि y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p करके आ सकती है, इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ओके जब इसे डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x देन इट इज dy by dx एंड वी नो दैट p इज इक्वल टू dy by dx, so we get dy by dx is equal to, now यहाँ product rule लगेगा तो p के साथ 1 plus x के साथ इसका derivative with respect to x dp over dx plus आपके पास जो यहाँ function of p it will be f dash p and p का derivative with respect to x is dp over dx, so dy by dx and p will be cancelled। हम यहाँ से उठा के इस पी को दूसरी तरफ लाएंगे जो माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो चीज़ बचेगी जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा एक्स डी पी वाई डी एक्स प्लस एफ डैश पी डी पी वाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन की शेप बची है और इस एक्सप्रेशन में अगर आप लोग गौर से देखें तो डी पी वाई डी एक्स कॉमन निकाला जा सकता है और हमारे पास रिमेनिंग जो शेप ऑफ फंक्शन है वो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन को और यहाँ मेरे पास दो टर्म्स की प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो आ गई। ऑब्वियसली फर्स्ट को भी अलहदा सिफ़र रखा जाएगा सोल्यूशन क्लैरेट्स का फाइंड करने के लिए और सेकेंड को अलहदा सिफ़र रखा जाएगा, ओके। जब मैं फर्स्ट को सिफ़र रखूँगा तो एक्सप्रेशन विल बी एक्स प्लस एफ डैश पी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास एक हिस्सा आया सोल्यूशन का और जो सेकेंड हिस्सा आया था विच इज़ डी पी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके जी। जब मैं ये सिंपल वाले फैक्टर वी वाली यूज़ करता हूँ उसको तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन किस तरह आएगा, वो आएगा डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ऑब्वियसली डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम्स डी एक्स विच इज़ ज़ीरो
और अगर मैं इंटीग्रेट करूँ बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, तो हमारे पास वैल्यू आती है पी इज इक्वल टू जीरो प्लस सम कॉन्स्टेंट मीन्स पी इज इक्वल टू सी। सो ये है एक सोल्यूशन की शक्ल जो क्लैरिटी क्वेन की आई, कि जब मैं ये आंसर आएगा इसे मैं क्लैरिटी क्वेन के अंदर पी की जगह रिप्लेस करूँगा। मेरे पास क्लैरिटी क्वेन थी वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, तो इसका मतलब है क्लैरिटी क्वेन का ये कहलाएगा जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल सोल्यूशन जो क्लैरिटी क्वेन का होता है वो जस्ट पी को सी से रिप्लेस करने से आता है। इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के बाद हमें ये पता लग गया कि हमारे सामने अगर कोई क्लैरिटी क्वेन लिखी गई हो और हमसे कोई ये कहे कि उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करें, तो हमने जस्ट करना कि हमने सॉल्व नहीं करना जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हुए सारा कुछ, जैसे यहाँ किया जनरल इक्वेशन को सॉल्व किया था वैसे इस तरह ही किसी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, बल्कि जस्ट उसके अंदर जहाँ जहाँ पी लिखा हुआ है उसको सी से रिप्लेस कर देना, तो हमारे पास क्लैरिटी इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, ये तो हुआ इक्वेशन बी का यूज़। और मैंने जो आपके सामने क्लैरिटी इक्वेशन के जनरल सोल्यूशन की बात की है उसे मैं एक एग्जांपल से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ वाई इज इक्वल टू एक्स पी प्लस लॉग ऑफ पी। मुझसे किसी ने कहा कि ये कैसी क्वेन है, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑब्वियसली, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पी की वजह से पता लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली लॉग के साथ जब पी की वैल्यू आएगी तो इसका एक्सप्रेशन पता नहीं किस शक्ल में आ जाए, नॉन लीनियर शेप इख्तियार कर जाए। लेकिन ये है कि अगर मुझसे कोई इसका जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है देन जनरल सोल्यूशन इज़ वाई इज इक्वल टू एक्स सी प्लस लॉग ऑफ सी। तो ये है इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्लैरिटी इक्वेशन का, लेकिन अभी हमने जस्ट एक्सप्रेशन बी को यूज़ किया था। ओके, इस ए का क्या काम होगा फिर? नाउ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड from equation A and equation star, जो आपके पास स्टार्ट वाली equation थी y is equal to एक्स पी प्लस फंक्शन ऑफ पी, उसे मैंने equation star का नाम दे दिया, और ये मेरे पास है equation A x प्लस एफ डैश पी इज इक्वल टू ज़ीरो। नो, इन दोनों equations को हमने use करके एक solution find करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ वो पी होगा, उसमें भी पी का कोई यूज़ नहीं होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पी होगा, और उस सोल्यूशन के अंदर आपके कोई आर्बिट्रेरी अननोन कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होते, वो सोल्यूशन सिंगुलर सोल्यूशन कहलाता है। तो वो सिंगुलर सोल्यूशन निकालने का आज मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल के ज़रिए वे बताऊंगा कि क्लैरिटी क्वेन का सिंगुलर सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है जो कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम पी होता है, और ऑब्वियसली वो अगर सोल्यूशन है तो क्वेन स्टार को यानी क्लैरिटी क्वेन की जो मैंने यहाँ जनरल फॉर्म लिखी है उसको सेटिस्फाई करता है, और इंडिपेंडेंट ऑफ एनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अगर उसमें कॉन्स्टेंट आएगा तो वो फिर जनरल सोल्यूशन कहलाएगा, और वो चेक किया जा सकता है कि वो क्लैरिटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आइए उसी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मेरे पास कोई क्लैरिटी इक्वेशन है, मैं आपके सामने एक क्लैरिटी इक्वेशन लिखता हूँ। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका जो डिग्री है वो आपके सामने है 1 है और इसका ऑर्डर 2 है। अच्छा, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व करके
इसका जनरल एंड सिंगुलर सोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, अगर मुझसे कोई कहता है इसका जनरल सोल्यूशन लिखो, ऑब्वियसली आई जस्ट रिप्लेस पी विद सी, ये है जी इसका जनरल सोल्यूशन, इसी को एन स्टार का जी, ये इक्वेशन वन मैंने इसको रिप्लेस नाम कर दिया, तो इसका मतलब है ये है जनरल सोल्यूशन इस इक्वेशन स्टार का। ओके जी, फॉर सिंगुलर सोल्यूशन, ये है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिंगुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड होता है किसी क्लैरेट इक्वेशन का। ओके जी, उसके लिए मैं चल रहा हूँ इस इक्वेशन ए की तरफ वापस। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ इक्वेशन ए को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे जनरल इक्वेशन को किया था, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ ऑब्वियसली पी, यहाँ मेरे पास जब इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा तो मेरे पास आ जाएगा पी के साथ एक्स की जगह वन प्लस एक्स के साथ पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी पी बाई डी एक्स। यहाँ इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा टू पी डी पी बाई डी एक्स। ओके, इसका मतलब है मेरे पास ये शेप आ जाएगी डी पी बाई डी एक्स। ओके, ये वैल्यू से कैंसिल होगी, एक्स प्लस टू पी साथ डी पी ओवर डी एक्स। ओके, इसको तो मैं सॉल्व करूँगा तो पी इज इक्वल टू सी आएगा, जब इसे मैं ज़ीरो के साथ रिप्लेस करूँगा, ज़ीरो के साथ पुट करूँगा ज़ीरो के इक्वल, तो वो सोल्यूशन तो हम फाइंड कर चुके हैं विच इज़ जनरल सोल्यूशन। एक्चुअल में हमने आना है अपने पार्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ, जिसको अगर आपको याद हो लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने जब इसके जनरल इक्वेशन को सॉल्व किया था तो मैंने इक्वेशन का नाम इक्वेशन ए रखा था। तो ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन स्टार है जिसे हम लोगों ने एक साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सिंगुलर सोल्यूशन की तरफ आना है। ओके दी, इसका मतलब मेरे पास एक्स प्लस टू पी इज इक्वल टू ज़ीरो है, एक्स प्लस टू पी इज इक्वल टू ज़ीरो है, और मेरे पास वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर है। ये इक्वेशन जो सी थी इक्वेशन ए थी, ये इक्वेशन स्टार थी, सबसे पहले यूज़ किया इक्वेशन ए को। इक्वेशन ए से मेरे पास टू पी इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड पी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू आ गया। ओके जी, इसको मैंने वापस पुट करना है इन इक्वेशन स्टार। ओके, पी की वैल्यू जब मैंने इक्वेशन स्टार में लगाई तो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा क्या, जब मैं पी की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा तो वाई आ जाएगा, पी की जगह मेरे पास होगा माइनस एक्स बाई टू, साथ मेरे पास जो टर्म प्रोडक्ट में इसके साथ आएगी वो है एक्स, और प्लस मेरे पास एक पी का स्क्वायर है मीन्स माइनस एक्स बाई टू का स्क्वायर आ गया। ओके, यहाँ से मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ, वी गेट माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फोर। ओके, इसका एलसीएम लिया, फोर आया और मेरे पास ऑब्वियसली आंसर बचा हुआ इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फोर। वहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन की शक्ल आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इज़ कॉल्ड सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ क्लैरेट्स इक्वेशन रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन स्टार। तो ये है, ये सोल्यूशन आया है इस क्लैरेट्स इक्वेशन का, और ये सोल्यूशन जो है वो विदाउट पी है एंड विदाउट एनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है। इसका मतलब है ये जो सोल्यूशन होता है इसमें दो चीज़ों की केयर की जाती है, एक तो ये विदाउट एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, और सेकंडली ये है कि ये सोल्यूशन पी से इंडिपेंडेंट होता है, और अगर ये सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन स्टार को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग लास्ट में इस इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड करने के बाद ये देख लेते हैं क्या वाकई हमारा सोल्यूशन एक्यूरेट है या ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास आया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये सोल्यूशन है, और ये इक्वेशन स्टार में वो इक्वेशन है जिसका ये सोल्यूशन है, और मैं चेकिंग करने जा रहा हूँ कि क्या वाकई ही ये सोल्यूशन एक्यूरेट या एग्जैक्ट है, वाकई इसका सोल्यूशन है ये। तो उसके लिए मैंने इस सोल्यूशन की तरफ आया कि सोल्यूशन था एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ से मेरे पास फोर वाई की वैल्यू आ गई माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट विल हैपन हियर, फोर के साथ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी पी, एंड यहाँ आ जाएगा माइनस टू एक्स, लिहाजा पी की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस टू एक्स ओवर फोर, एंड आंसर विल बी माइनस एक्स बाई टू।
अब अगर मैं इस वैल्यू को और यहाँ से वाई की जो वैल्यू आ रही है, ये आप लोग चेक कर सकते हो, जो वाई की वैल्यू है वो है -x² / 4। अगर मैं इन दोनों बातों को उठा के इक्वेशन स्टार में पुट करता तो इक्वेशन स्टार की शेप क्या आती? इक्वेशन स्टार की शेप आती वाई के जगह मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई -x² / 4, और इज इक्वल टू पी की जगह मेरे पास पी की वैल्यू आएगी -x/2। साथ मेरे पास एक्स है और प्लस करके मेरे पास पी का स्क्वायर था विच इज़ -x/2². अगर इस वैल्यू को सॉल्व किया तो -x² / 2, इसको सॉल्व किया तो x² / 4, और जब मैंने इसको मज़ीद सॉल्व किया एलसीएम लेने के बाद तो मेरे पास आंसर आया -x² / 4, और ये साइड भी -x² / 4 थी। इसका मतलब है मैंने ये वेरीफाई कर दिया कि वाकई जो ये सोल्यूशन था वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये है किसी क्लैरेट्स इक्वेशन का सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करने का वे, और ये चेकिंग है एक सिंगुलर सोल्यूशन क्या एग्जैक्ट आया है, क्या एक्यूरेट आया है। लेक्चर के एंड पे मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लैरेट्स इक्वेशन है, उसका सिंगुलर सॉल्यूशन एक बड़े ही इजीएस्ट वे से भी चेक कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? मेरे पास ये थी क्लैरेट्स इक्वेशन विच इज़ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी। यू कैन सी कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है इन पी के अंदर। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसका पी डिस्क्रिमिनेंट निकालूं और उसे 0 के बराबर पुट करूं तो पी डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली b² - 4 इज इक्वल टू 0 है, ए यहाँ 1 है, बी जो है यहाँ पे एक्स है और सी यहाँ पे -y है। अगर ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास b की जगह सॉरी b जो है मेरे पास x है। ओके जी, b की वैल्यू आ गई x² -4 के साथ, a की जगह 1 और c की जगह -y, तो हमारे पास आंसर आ गया x² + 4y इज इक्वल टू 0। तो ये वही सोल्यूशन है जो ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब है क्लैरेट्स इक्वेशन को के सिंगुलर सोल्यूशन को आप डिस्क्रिमिनेंट की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन था y इज इक्वल टू cx + c². तो ये एक असाइनमेंट है आप सब के लिए। सॉरी, तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि क्या इस जनरल सॉल्यूशन के ज़रिए भी सी डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके हम इस क्लैरेट्स इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कोई बात आप लोगों को समझ, ऐसी कोई बात जो जहन में ना आपके बैठी हो, और या कोई क्यूरी सी फील होती हो जो आप समझते हैं कि डिस्कस मेरे साथ करनी चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल भी, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने क्लास फेलोज़ हैं, उन तक भी ये बात कन्वे करें कि एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए चैनल बना है, तो आपको ज़रूर उसे प्रमोट करना चाहिए। इंशाल्लाह फिर बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।